गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री। आई एम योर कंप्यूटर टीचर संजीत सर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर, द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन। ओके, चैप्टर नंबर फोर, द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन। एंड आवर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी ओवर एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। ओके, चैप्टर नंबर फोर द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर फाइव Fun with MS Paint, chapter number 6 file management organization of folders. Okay, so these three chapters are included in the second term examination syllabus. Okay, and this is the content of this chapter, but in this video I am going to discuss only internet. Okay, what is internet, uses of internet, advantages of internet and disadvantages of internet. Okay, so four topics I am going to discuss in this video: internet, uses of internet, advantages of internet and disadvantages of internet. Okay, now move on to the main topic. Sad Tim, a British scientist, is regarded as the father of the World Wide Web. Okay, we all know that what is www. www means World Wide Web, and the father of www is Sir Tim Lee. Okay, he invented the World Wide Web in the year of 1989. He has worked on various projects to develop the standard for communication over the internet. Okay, so हम लोगों को यहाँ से क्या पता चला कि जो फादर है, फादर ऑफ द इंटरनेट, फादर ऑफ द www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, कौन है? सर टिम ली। ओके, एंड उन्होंने क्या चीज़ इन्वेंट किया था? www, जो कि हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। ओके, और इन द ईयर ऑफ 1989। ओके, यू माइट हैव सीन योर पेरेंट्स ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स, बुकिंग मूवी टिकट, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल एसेट्रा यूजिंग द कंप्यूटर। यू मे हैव हर्ड दैट योर पेरेंट्स सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम योर रिलेटिव्स और ऑफिस ऑफ योर पेरेंट्स। यू हैव एवर वंडर्ड How does it happens? All this possible using the internet. Okay, that means यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग घर में, आप लोगों को जो पेरेंट्स हैं वो लोग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन से कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं। ओके, आप लोगों ने देखा होगा शायद, कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर हम लोग घर बैठे कुछ भी मंगा सकते हैं, किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ किससे होता है? इंटरनेट के ज़रिए होता है। ओके, नाउ ए नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर थिंग्स आर कनेक्टेड। ओके, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टू वन अनदर थ्रू द डिफरेंट वेज। ओके, सो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है कि हम लोग एक कंप्यूटर को जब दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, ओके, वाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे। ओके, हम लोग जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ अगर कनेक्ट कर पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरनेट। द इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क। ओके, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स मेनी कंप्यूटर्स विद वन अनदर इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर all over the world are connected through this internet that allows them to communicate and share information with one another. Internet is also popularly known as net. Okay, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ओके, और इसी को हम लोग इंटरनेट भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे बोला गया है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डिस्टेंस जितना भी हो वो मैटर नहीं करता। ओके, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। ओके, कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, दैट मीन्स बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू दिस नेटवर्क। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। ओके, द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज नेट। ओके, इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज नेट। नेक्स्ट इज uses of internet. Okay, uses of internet, the uses of internet has grown tremendously
in the last few years it has become the important part of our everyday life. जैसे कि आप लोग अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ओके, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, किसके ज़रिए कर रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं. आप लोग घर बैठे ही ये वीडियो जो है वो देख पा रहे होंगे, इस किसके मदद से, इंटरनेट की मदद से, ओके. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द इंटरनेट इज़ यूज फॉर सर्च एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. हम लोग कभी भी अगर कुछ भी हम लोग को सर्च करने का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आसानी से उसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और कोई भी रिलेटेड टॉपिक के ऊपर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ओके. इंटरनेट इज़ यूज टू प्ले म्यूजिक एंड मूवीज एंड गेम्स, ओके. इंटरनेट इज़ यूज टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल थ्रू ईमेल, चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके. नाउएडेज अभी क्या हो रहा है कि हम लोग आसानी से इंटरनेट के ज़रिए आसानी से कहीं पे बैठे हुए भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ओके, कहीं पे भी अगर कोई भी बैठा हुआ है तो हम लोग आसानी से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैट के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके. दिस इज़ द बिग बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट, ओके. नेक्स्ट इज इंटरनेट इज़ यूज बाई पीपल टू पे बिल्स, ऑपरेटर, बैंक अकाउंट्स एंड बुक टिकट्स, ओके. सो हम लोग इंटरनेट के हेल्प से अभी क्या हो रहा है कि हम लोग घर बैठे ही एयर टिकट बुक कर सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, ओके, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेट इज़ यूज बाई वेरियस कंपनीज फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया. ये क्या करते हैं, ये हम लोगों को जो प्रोडक्ट्स है वो हम लोग वहाँ से हम लोग परचेस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी बोलते हैं, ओके. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट, ओके. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन. सो यूजिंग इंटरनेट वी कैन कनेक्ट विथ एनी पर्सन सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके. वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस यूजिंग ईमेल और चैट. वी कैन ऑल्सो हैव ए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विथ एनी पर्सन हु माइट बी सिटिंग इन डिफरेंट सिटी, कंट्री और कॉन्टिनेंट, ओके. दैट मीन्स मैंने पहले ही बोला है कि विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विथ एनी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड. मतलब कि एक आदमी अगर, कोई भी पर्सन अगर कहीं पे भी बैठा होगा तो हम लोग उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वाया ईमेल हो गया, चैट हो गया, वीडियो कॉल हो गया, एक्सेट्रा, ओके. नेक्स्ट इज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एकेडमिक, स्पोर्ट्स, मूवीज, टॉयज एंड कार्टून्स कैन बी फाउंड ऑन द फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट, ओके. दैट मीन्स हम लोग जो इंटरनेट है वो एक क्या होता है, स्टोर हाउस है, इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस है. हम लोग आसानी से उस स्टोर हाउस मतलब इंटरनेट को यूज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, ओके. नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट. इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सेस टू लॉट्स ऑफ वीडियो, सॉन्ग्स, मूवीज एंड गेम्स दैट वी कैन बी यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ओके. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेंडिंग ईमेल एंड रिसीविंग, शॉपिंग ऑन द इंटरनेट, बुकिंग मूवी टिकट्स, ओके. दीज आर द ऑल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स मीन्स यूजिंग इंटरनेट वी कैन प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज क्लोथ्स, बुक्स, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड्स, ओके. वी कैन बुक टिकट्स फॉर मूवीज, एयरलाइंस, रेलवे फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ आवर होम, ओके. कन्वीनियंस ऑफ आवर होम, ओके. दिस ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, ओके. मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग अभी क्या हो रहा है कि इंटरनेट इतना तेज़ी से फैल रहा है कि हम लोग आसानी से घर में बैठ के कोई भी चीज़ को परचेस कर सकते हैं, ओके. कोई भी फूड हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी रेलवे टिकट हो गया, बस टिकट हो गया, एयर टिकट हो गया, हम लोग घर पे बैठ के सब काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं. उसी को क्या बोला जाता है कि ई कॉमर्स बोला जाता है, ओके. एंड सम ऑफ पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स आर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड मिंत्रा, ओके. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट.
So, although internet is very useful these days, but there are certain disadvantages of using internet. So, first is the main issue is virus attack. Okay, a computer virus is a program that distributes the normal functioning of a computer system. Okay, when we visit a fake or irrelevant websites, this program gets downloaded on your computer on their own. When your computer gets infected by this virus, it may not function properly. That means जो virus होता है वो एक program होता है. Okay, एक प्रोग्राम होता है. वो क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी सिक्योर जो हम लोग जो वेबसाइट विजिट कर रहे हैं वो सब वेबसाइट सिक्योर नहीं भी हो सकता है. ओके, हम लोग अगर कोई भी फेक वेबसाइट और इरेलेवेंट वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने अगर विजिट कर लिया तो क्या होता है कि वायरस अटैक होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है. ओके, तब क्या होता है कि अगर आप लोगों के कंप्यूटर में अगर वायरस अटैक हो गया तो आप लोगों का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और डैमेज भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज अ बिग बिग डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट. ओके, नेक्स्ट इज साइबर अटैक. Computers are widely used at places such as office, banks, and shops. Some people try to steal information from the computer and spoil the work. This is called the cyber attack. Okay, that means कोई भी अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं कि इस टाइप के साइबर अटैक्स करके जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं. ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर अटैक. नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन. These are there are cases in which the personal information posted on the internet can be misused. This can pose a big problem to the relevant person. That means यहाँ पे बोला गया है कि मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन. हम लोग अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं. ओके, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया है वो क्या हो सकता है कि दूसरे लोग उसी इन्फॉर्मेशन को लेके मिसयूज़ भी कर सकते हैं. लाइक हम लोग ने कोई फ़ोटो डाला है, उसी फ़ोटो को लेके दूसरा कोई कुछ भी यूज़ कर सकता है. ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसयूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दिज आर द थ्री मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट. ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक. बट आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छी तरह से जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा. पढ़ने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा कि इंटरनेट का यूजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. ओके, हाउ द इंटरनेट वर्क्स. ओके, सो आप लोग अच्छी तरह से बुक को फॉलो कीजिए, तभी जाके आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा. ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग माई डिस्कशन हेयर. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू द चैप्टर. ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू.